हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, एक वीडियो है जो बहुत दिनों से मेरे से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर क्लासिक नेक्स्ट जेन हो गई या मीटियोर 350 हो गई। आपको पता है कि बाई स्टैंडर्ड इसके अंदर ये वाले शॉकर्स आते हैं जो कि हैं कॉयल स्प्रिंग सस्पेंशन। आपको और आपको एक वीडियो मैंने ये भी दिखाई थी जिसमें मैंने अपने सस्पेंशन को अपग्रेड करके नाइट्रॉक्स बनाया था। तो अब इसमें एक सवाल आया था मेरे पास कि अब ये मोड्स हैं, इसमें भी 5-6 मोड हैं, इसमें भी 5-6 मोड हैं, तो ये सारे मोड्स का क्या काम है, कैसे कम वर्क करेंगे और इनका क्या फंक्शनैलिटी है। तो आज इसी के ऊपर करेंगे पूरी बात। बट वीडियो शुरू करने से पहले, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गाइज, आ चुके हैं फिर से हमारे साथ हमारे अपने प्यारे अमन भाई। देखो, आज मारियो वाली टी शर्ट पहन के आए हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर के। तो अमन भाई, सब्सक्राइबर्स की एक रिक्वेस्ट आई है। अब नाइट्रॉक्स तो आपने अपग्रेड कर दिया, अब इसमें भी 6 पोजीशन है, ठीक है जी, और शायद इसमें भी 6 पोजीशन है। हाँ जी। अब इन पोजीशंस को पहली चीज तो ये कि एडजस्ट कैसे करना है, okay. और हर स्टेप क्यों रखना है और कब रखना है, ये तो ये सवाल है कुछ। तो कुछ सवाल के जवाब तो देखो मुझे पता है कि एडजस्ट करने के लिए आपके पास इसमें जो रॉयल इनफील्ड की आपकी अपनी सर्विस किट आती है, सर्विस किट या टूल किट, बाइक की, तो बाइक की टूल किट है तो उसमें आपको होता है। लेकिन ये मेरे केस में नहीं होगा क्योंकि मेरे केस में मैंने सस्पेंशन को चेंज कर दिया, तो इसके लिए अलग टाइप का टूल लगेगा। बट आओ देखते हैं, बाइक के साथ वाली किट इसमें तो यूज हो जाएगी। हाँ, किट खोल। तो ये गाइस नेक्स्ट जेन की किट है। अगर मेरी गाड़ी भी खोलूंगा तो यही सेम किट निकलेगी क्योंकि सेम इंजन है दोनों गाड़ियों में, सेम सस्पेंशन है। तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए ये हैंडल और उसके साथ चाहिए हमको यहाँ पे एक रिंग वाला एडजस्टेड टूल हमारा, ये है टूल। तो ये दो चीज है जो कि आपको लगानी पड़ेंगी। ओहो, तो ये जो चीज है जो हमें लगानी पड़ेगी, होगा कुछ नहीं, ये हैंडल है, ये टूल है, एडजस्ट हो गया, अब इसके अंदर लग के सेट हो जाएगा। तो आओ गाइस, मेरी वाली का तो टूल नहीं है हमारे पास, तो मेरी वाली को तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें मैंने लगा दिया है क्लासिक वाला शॉकर, तो अगर मेरे को अगर इसको एडजस्ट करना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी क्लासिक वाले टूल की, तो जो मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने मोड्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब जब स्टैंडर्ड सेटिंग जो होगी सबकी, वो होगी सबसे बड़े वाले की। यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे इसको, यहाँ पे सबसे पीछे में सेटिंग होगी। हम जितना ऊपर जाते रहेंगे, इतना आगे जाते रहेंगे, उतना सस्पेंशन स्टिफ होता रहेगा, इतना पीछे आएंगे उतना सॉफ्ट होता रहेगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये सस्पेंशन और वो सस्पेंशन दोनों सेम सेटिंग पे होने चाहिए, अगर अलग अलग ना हो। अगर आपने इसको दो बार घुमाया तो उसको भी दो बार ही घुमाएंगे, इसको पूरा टाइट किया तो उसको पूरा ही टाइट करना है, ये नहीं कि आधा ये एक घुमाया ये वो दो घुमा लिया, नहीं, दोनों सेम सस्पेंशन सेटिंग पे ही रहेंगे, वरना सस्पेंशन इशू क्रिएट होगा। बिल्कुल होगा। और होगा करना क्या है, सस्पेंशन के नीचे देखें ग्रूव्स बने हुए हैं, ये एक ग्रूव ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये जो हमारा हैंडल, ये जो हमारा रैचेट है, ये चीज़ और ये चीज़ उन ग्रूव्स को होल्ड करके उसको टाइट करेगा। तो आइए एक आपको करके दिखाते हैं। तो ये हमने फंसाया, दोनों फंसाने हमें, और ये ट्विस्ट कर दिया हमने इसको, ये हो गया सेट। ये देखिए, ये एक पॉइंट आगे बढ़ गया है, होता कुछ नहीं है जब हम घुमाते हैं ना, ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होता है धीरे 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 धीरे, हर स्टेप पे थोड़ा कंप्रेस होता है, जैसे ही कंप्रेस होगा तो और हार्ड हो जाएगा, लूज होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको
कब क्या सेटिंग करनी होती है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग की चीज़ों पे कि आपका जो आदत है राइडिंग की, आप कैसे राइड करते हैं। हाँ, ये हो सकता है आप पिलियन के साथ हैं, आपके पास लगेज है, तो आप उसको सॉफ्ट सेट आके बिल्कुल हार्ड पे कर देंगे, इससे बॉटम आउट नहीं होगी आपकी, आपका टायर मडगार्ड में नहीं लगेगा। हाँ, नीचे बॉडी में लगने के चांसेस पहिए के बहुत कम हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट। और अगर आप सिटी राइड करते हैं और आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, तो मेरे ख्याल से सेटिंग 2 इज मोर देन इनफ। 2 या 1, बोथ ऑफ देम मोर देन इनफ। 1 तो बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट हो जाता है। अब जैसे मेरी बाइक है, जो मेरी जीटी है, वो हार्डेस्ट सेटिंग पे रहती है हमेशा। अच्छा, चाहे मैं सिटी में हूँ, सीट पे पीछे को तो बैठता नहीं कोई, करेक्ट, पीछे कोई काउ लगा हुआ है। हाँ, तो मेरी बाइक है वो हमेशा हार्डेस्ट सेटिंग में, रीजन बीइंग जीटी में स्पेशली एक चीज़ है कि जब सस्पेंशन हार्डेस्ट सेटिंग पे होगा, एक्सेलरेट करते टाइम पे, तो वो उसका फोर्स है, सस्पेंशन खाएगा नहीं। ओके, पुल किया, बाइक जर्क लेती है पीछे, बाइक पीछे से सैग नहीं करेगी। अच्छा, ओके। हाँ, वैसे भी आप तो अल्ट्रा हाई स्पीड वाले हो भाई, देख लो गाइस, मजाक बना के रखा हुआ है मेरा, और आप लोगों ने कुछ किया नहीं। मैंने कहा था डाउनटाउन ड्रैग 1000 कमेंट्स आएंगे, तो गाइस गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी अभी भी खड़ी है। इनफैक्ट अभी आधे घंटे पहले भी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि गाड़ी कब लेनी है, कैसे लेनी है, बट अब आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो अब आप लोग हाँ करो ना करो। चलो एक काम करते हैं, इस वीडियो पर भी कमेंट कर दो, वो वाले भी गिन लूँगा, दोनों गिनते। अगर आप सब लोग कहते हो कि मुझे इनकी पास से डाउनटाउन ड्रैग लेनी चाहिए, तो ज़रूर लेंगे। वैसे आओ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अमन भाई की जीटी जो है वो एक हाईली कह सकते हैं कि कस्टमाइज बाइक है, तो आओ उसको भी दिखाते हैं। पहले जिन्होंने भी भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर ब्लॉग फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। We'll be right back.